वर्धा जिले के देवली तालुका के सलसुरा में एक एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और पुल से लगभग 40 फीट नीचे नदी में गिर गया, जिससे वाहन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। पता चला है कि सभी मृतक 25 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के थे। ज्ञात हो कि हादसा 24 तारीख सोमवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ है। हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी सावंगी के दत्तामेगे मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। हादसा उस वक्त हुआ जब वह देवली से वर्धा परीक्षा देने के लिए पार्टी करने आ रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन सलसुरा में नदी के पुल पर गिर गई हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में बीजेपी विधायक विजय रहांगदाले के बेटे अविष्कार रहांगदाले भी शामिल है। अन्य मृतकों की पहचान नीरज चौहान, नितेश सिंह, विवेक नंदन, प्रत्युष सिंह, शुभम जायसवाल और पवन शक्ति के रूप में हुई है। इस बीच हादसे की खबर मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीयूष जगताप पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। सभी 7 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वर्धा सामान्य अस्पताल ले जाया गया।